आप सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? गेस करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक पलटा जो रेला का पलटा है। दोस्तों ये तीन ताल 16 मात्रा में, जिस प्रकार से हम लोगों ने कायदा सीखा था तीन ताल 16 मात्रा में और उसके कुछ पलटे सीखे थे, तो दोस्तों उसी प्रकार से रेला में भी कायदा और पलटा है। दोस्तों हम लोगों ने रेला तो पहले में सीखा था, उसके बाद उसका पलटा भी हम लोगों ने सीखा था, जो फोर तक सीखा था, जो चौथा नंबर पलटा तक हम लोगों ने सीख लिया था। अब जो बच गया था वो पांचवा नंबर पलटा था, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पलटा नंबर 5 रेला का, जिसका बोल इस प्रकार है। धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धा त्रिकिट तक तीना किट तक, ता त्रिकिट तक त्रिकिट ताती तागे न ताती तागे न, ता त्रिकिट तक त्रिकिट ताती तागे न ताती तागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धा त्रिकिट तक धीना किट तक। इस प्रकार से हैं दोस्तों, एक बार और आप लोग सुन लीजिए, बोल है धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धा त्रिकिट तक तीना किट तक, ता त्रिकिट तक त्रिकिट ताती तागे न ताती तागे न, ता त्रिकिट तक त्रिकिट ताती तागे न ताती तागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धा त्रिकिट तक धीना किट तक। इस प्रकार से है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके तबले के साथ बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक एक बोल को ट्यूटोरियल में बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग देखें, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए प्रकार से है, ठीक। तो अब मैं आपको एक एक बोल को ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से बजाना है। जैसे ट्यूटोरियल में अब तो मैं बोल दिया, लेकिन ट्यूटोरियल कहते किसे हैं, किस प्रकार से ट्यूटोरियल होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। ट्यूटोरियल जिस प्रकार हम लोग धा बजाते हैं तबले पर, तो धा में क्या क्या लग करके धा बनता है, ये सवाल है। क्या क्या लगता है तो धा बनता है, दग्गे पर क्या लगता है, चाटी पर क्या लगता है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपको ट्यूटोरियल में बताएंगे। अब मैं बता दे रहा हूँ धा किस प्रकार से क्या क्या लग करके बजता है। तो दोस्तों चाटी पर ना और डग्गे पर घे, घे कैसे बजाएंगे, तो घे इस प्रकार से हम हाथ को रखेंगे और इस दोनों फिंगर से घे घे घे, ठीक है, घे और चाटी पर ना, इस दोनों को एक बार आघात करेंगे तो धा शब्द की आवाज आएगी। देखिए इस प्रकार से हम लोग ट्यूटोरियल में सीखेंगे, ठीक है, एक एक बोल को ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो आइए, जो बिगनर पार्टनर है उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, कृपया आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस सारे वीडियो को देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बोल है धा त्रिकिट। अब देखिए धा त्रिकिट को कैसे बजाएंगे, धा धा तो बजाना मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, धा उसी प्रकार बजाएंगे चाटी पर ना और डग्गे पर,
ये दोनों मिलकर के बन जाएगा था, ठीक है। अब तिरकिट, तिरकिट बजाने के लिए स्याही के बीचों बीच इस दोनों फिंगर से ती, फर्स्ट फिंगर से र की, इसे कहेंगे की, इसे कहेंगे ट, ती र की ट, ठीक है, ती र की ट। ये तो आप सीख लिए धा तिरकिट। अब है तक तिरकिट, त क, त बजाने के लिए स्याही के बीच बीच फर्स्ट फिंगर से त और डग्गे पर क, इस प्रकार इसे कहेंगे क, ठीक है। अब आप सोचते होइएगा कि इसे क भी कहते हैं, की भी कहते हैं कभी कभी, तो दोस्तों इसे क भी कहेंगे, के भी कहेंगे, की भी कहेंगे, का भी कहेंगे, जिस प्रकार से चाटी पर हम लोग बजाते हैं ता या ना, तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी क, के, की, कत, ये बजता है, ठीक है। तो अब तक बजाना तो आप लोग सीख गए, त क, इसे कहेंगे क, त क, ठीक है, तक। अब है त्रिकिट, ती र की ट, ती र की ट। अब है धाती, धाती कैसे बजाएंगे, तो धा और स्याही के बीच बीच ती, धाती, ठीक है, इस प्रकार से धा त्रिकिट, तक त्रिकिट, धाती, धागे न, धाती, धागे न। अब देखिए धाती धागे न, धाती धागे न कैसे बजाएंगे, तो धा और स्याही के बीच बीच ती, धाती, धागे, गे इस फिंगर से, ठीक है, गे, गे, धाती, धागे न, धाती, धागे न, ठीक है। अब है धा तिरकिट तक तिरकिट धाती, धा तिरकिट तक तीना किट तक। अब देखिए इसे कैसे बजाएंगे, धा ती र की ट ट क, ती र की ट, धा ती, धा ती र की ट तक, तीना किट तक। अब दोस्तों इसे कैसे बजाएंगे, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती, धा त्रिकिट तक तीना किट तक। देखिए धा तो हमें बजाने आता ही है, मैंने आपको बता दिया था, धा भी बजाना आपको बता दिया था, त्रिकिट भी बजाना बता दिया था, तक भी बजाना बता दिया था, धाती भी बजाना आपको बता दिया था, जो नहीं बताया था वो आप सीखिए। जो हमने नहीं बताया था वो था तीना और किट तक। तो दोस्तों धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती, धा त्रिकिट तक तीना किट तक। दोस्तों तीना किट तक कैसे बजाएंगे, तो तीना बजाने के लिए लौ पर ती और चाटी पर ना, तीना, तीना, कीट तक, इसे कहेंगे की ट तक, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, अब सारे बोल के एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे ना, धाती धागे ना, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे ना, धाती धागे। दोस्तों हम लोग जो ये तो सीख लिए, अब जो धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे ना, धाती धागे ना, वो जो सीखे हुए थे दोस्तों, वो ट्यूटोरियल में जो हम लोग सीखे, तो वो तो एक ही बार सीखे हुए थे, तो दोस्तों एक ही बार उसमें ट्यूटोरियल में सीखना होता है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा उसको, अगर तीन बार मैं आपको बताऊँ तो उसी चीज़ को बताऊँगा, लेकिन क्या होगा, समय व्यर्थ जाएगा, ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि आपको एक ही बार बता दिया। अब इसको बजाना कैसे, तो इसे तीन बार बजाना है, ठीक है, तीन बार इस प्रकार, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न, धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न, धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न, धाती धागे न, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती, धा त्रिकिट तक, तीना किट तक। इस प्रकार से दोस्तों हमें इसे बजाना है, ठीक है। और मैंने बताया था सिर्फ धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धाती धागे न, धाती धागे न, यही सिर्फ आपको मैंने ट्यूटोरियल में बताया था आपको, ठीक है। अब इसी को तीन बार इसे बजाना है, उसके बाद टेक लगा देना है। टेक यानी कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि कायदा का पहला बोल, ठीक है। अब दोस्तों खाली वाला भाग सीखे, जिस प्रकार से हम लोगों ने कायदा में खाली वाला भाग सीखा था,
और पलटा में सीखा था, उसी प्रकार से दोस्तों रेला में भी एक खाली और एक भरी भाग होता है। तो अब आइए आप रेला का खाली वाला भाग सीखिए। खाली वाला भाग है ता त्रिकिट तक त्रिकिट ताती तागे न ताती तागे न ता त्रिकिट तक त्रिकिट ताती तागे न ताती तागे न धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धा त्रिकिट तक धीना किट तक। इस प्रकार इस प्रकार से दोस्तों अब देखिए इसे ट्यूटोरियल में सीखिए। एक ही बोल को सीखेंगे और उससे दोबारा एक्सप्लेन करना है। देखिए इस प्रकार है ता ती र की ट त ख, ठीक है, ये हो गया ता ती र की ट त ख। अब है ती र की ट ता ती, ती र की ट ता ती, ठीक है। अब है तागे न ताती तागे न, ठीक है, इस प्रकार से ता त्रिकिट तक त्रिकिट ताती तागे न ताती तागे न। अब है धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धा त्रिकिट तक धीना किट तक। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ता त्रिकिट तक त्रिकिट ताती तागे न ताती तागे न को दो बार बजाना है। इस प्रकार ता त्रिकिट तक त्रिकिट ताती तागे न ताती तागे न ता त्रिकिट तक त्रिकिट ताती तागे न ताती तागे न, इस प्रकार। अब उसके बाद लगाना है धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न, इस प्रकार, ठीक। अब दोस्तों ये तो हम लोगों ने सीख लिया धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धागे न धाती धागे न, ये पहले हम लोगों ने सीखा था। तो ये तो आपको ट्यूटोरियल में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब दोस्तों टेक लगाना है धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धा त्रिकिट तक धीना किट तक, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे बजाना है धा ती र किट तक ती र किट धाती, ठीक है, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धा त्रिकिट तक धीना किट तक, ठीक है, धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धा त्रिकिट तक धीना किट तक। दोस्तों धा त्रिकिट तक त्रिकिट धाती धा त्रिकिट तक, यहाँ तक तो हम लोग बजा पाएंगे क्योंकि इसको तो हम लोगों ने ट्यूटोरियल में सीख लिया था, ठीक है। अब दोस्तों धीना किट तक हम लोगों ने नहीं सीखा था, तो धीना किट तक को कैसे बजाएंगे। तो धीना किट तक को बजाने के लिए लौ पर धी पहले धी बजाइए। धी बजाने के लिए क्या करेंगे, लौ पर तीन और डगे पर घे, ठीक है, लौ पर तीन और डगे पर घे, ये दोनों मिल करके बन जाएगा धी और चाटी पर ना धीना किट तक धीना किट तक, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, तो सारे बोल को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसका खाली वाले भाग का, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इसे बजाना सीख लिए, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, भरी वाले भाग और खाली वाले भाग को साथ में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार धा त्रिकिट तक त्रिकिट
इस प्रकार से दोस्तों आप लोग रियाज कीजिए और अच्छा से अच्छा तबला बजाना सीखिए। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।